तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे और एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं वापस से माइनक्राफ्ट सर्वाइवल, और ये सर्वाइवल वर्ल्ड का एपिसोड 2 होने वाला है। तो अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जो है एपिसोड 1 देख सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं माइनिंग, और माइनिंग नहीं करने वाले, ठीक है, और बनाने वाले एक फुल डायमंड का आर्मर है। इसमें हमको लगने वाली है बहुत मेहनत, तो उस मेहनत के लिए अभी से एक लाइक कर दो यार प्लीज़, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ज़रूर से, ठीक है। तो माइनिंग पे जाने के लिए हमको सबसे पहले हमारी सारी ज़रूरत चीज़ों को देखना पड़ेगा, जैसे कि खाना, फूड वगैरह सब कुछ हमको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हुड वगैरह तो हमको नीचे नहीं मिलेगा, तो हमको जो है ऊपर से लेना पड़ेगा। तो पहले हम अपनी इन्वेंट्री को सेट करेंगे और जाएंगे थोड़ा सा हुड चॉप करने, क्योंकि हमको थोड़ा बहुत स्टिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको बनाना है टॉर्चेस, और टॉर्च जो होती है उजाला, तो हमको बहुत सारा टॉर्च चाहिए क्योंकि हम माइन करने हैं बहुत ज़्यादा। तो फटाफट हुड कलेक्ट करते हैं। तो हमारा हुड चॉप करना इधर हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करेंगे, उसके बाद जाएंगे नीचे। तो सबसे पहले हम खाना वगैरह को देख लेते हैं ना, खाना वगैरह इतना इतना हमने क्या कर लिया, मैं आपको बता देता हूँ। हमने थोड़ी बहुत हुड लिए, एक बेड और थोड़ा बहुत खाना और बहुत सारा टॉर्चेस। तो अभी चलते नीचे। ओके, हमने जो बहुत सारी पिकिक्स बना लिए, उसके बाद हम माइनिंग करेंगे इस साइड को। ओके, तो इस साइड को माइनिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से सीढ़ी बना के नीचे जाना पड़ेगा, और हमको भाई थोड़ा बहुत नहीं, मतलब -58 पे जाना पड़ेगा। तो जिस भाई को पता नहीं है ना कि डायमंड फाइंड कैसे करते, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ज़मीन के नीचे जाना पड़ेगा, और आपको जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर 62, 61 हो गया अभी, उसके बाद 60 हो गया, तो इसको आपको जाना पड़ेगा -58 पर, उधर डायमंड मिलते। और अभी भाई बहुत नीचे जाना पड़ेगा, बहुत नीचे, क्योंकि अभी हम +50 पर है, तो माइनस पे जाने के लिए बहुत देर है। तो मैं कॉल वगैरह सब कुछ कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इस वर्ल्ड को हमने स्टार्ट ही किया है, तो सब चीज़ का ज़रूरत है। तो फटाफट हम नीचे जाते हैं। ओके, नीचे जाते हैं, और नीचे जाने के बाद आपसे मैं मिलता हूँ। तो मैं जो -58 पे आ चुका हूँ, और मैंने ना इधर एक छोटा सा रूम बनाया है, बट वो वाला पार्ट मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो गई थी। तो मैंने ना 3 चौड़ा और थोड़ा लंबा एक बक्सा टाइप का घर बना दिया है, क्योंकि हम बार बार इधर आके माइनिंग करने वाले, तो बार बार झंझट ना करके एक बार में हमने सब कुछ कर दिया है। तो हम फटाफट इस रूम को कंप्लीट करते। तो हमारा रूम जो इधर कंप्लीट हो चुका है, अब हम इधर एक क्राफ्टिंग टेबल लगाएंगे, एक चेस्ट और हमारा एक फर्नेस और एक बेड लगाएंगे, क्योंकि हमारा छोटा सा घर जैसा ही है, ठीक है, मतलब फर्नेस से हम इधर आयरन वगैरह को स्मेल्ट कर सकते हैं, और रात के टाइम इधर हम सो भी सकते हैं, और चेस्ट में हम स्टोन वगैरह फालतू की चीज़ें रख सकते हैं। तो हमने इधर थोड़ा, हमको नीचे आने के टाइम पे हमको थोड़ा बहुत आयरन मिला था, तो हमने आयरन को स्मेल्टिंग पे रख दिया, जिससे कि आयरन इंगेट पे कन्वर्ट हो जाए, और हम एक आयरन की पिकिक्स बना सके, क्योंकि हम जो स्टोन की पिकिक्स से डायमंड को माइन नहीं कर सकते, ठीक है, तो हमको आयरन की पिकिक्स चाहिए, और उसके बाद ही हम माइनिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले इधर एक बेड लगा लेते और चलते हैं माइनिंग पर। तो मैंने जो इधर ना माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, मैंने 4 से 5 घंटे लगातार माइनिंग किया, ठीक है, और मेरे को डायमंड भी मिले। तो मैं आपको पूरा क्लिप तो नहीं दिखा सकता, बट जिस पार्ट में मेरे को डायमंड मिले
मैं आपको पार्ट फटाफट से दिखा देता हूँ। यार कब से माइनिंग कर रहा हूँ, डायमंड मिल ही नहीं रहा, फटाफट मिल जा यार। तो देखते यार फटाफट 56। और भाई मैंने कितना पिकिक्स तोड़ दिया। और एक गाइस, तो हमको जो हमारे वर्ल्ड का इधर पहला डायमंड मिल चुका है, तो फटाफट इसको माइनिंग करते यार। देखते इधर हमको कितना डायमंड मिला है। चलो चलो देखते कितना मिला। इधर हमको टोटल ना 20 डायमंड मिल चुके हैं। हमको डायमंड पहले ही मिला था, बट वो वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, तो आप कुछ बुरा मत मानना। और भाई सामने वाले डायमंड यार, मतलब कैसा जनरेशन है डायमंड का। चलो फटाफट सारे डायमंड कलेक्ट कर लेते हैं। और भाई मेरे को, मैंने जो माइनिंग किया उसके बाद मैं ऊपर आया। ऊपर आने के बाद मैंने जो आर्मर वगैरह सब बनाया, ठीक है, बट वो वाला पार्ट पता नहीं क्यों मैंने रिकॉर्डर ऑन रखा था, बट रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। अरे मैं क्या करूँ और आप ही बताओ। तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो में ना वो वाला पार्ट, मतलब पूरा डायमंड का आर्मर आपको दिख जाएगा। और आज के वीडियो इतना ही था। मानता हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, बट आप मार्क कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल मैंने सब्सक्राइब कर देना, और आपके दोस्त के साथ वीडियो को शेयर प्लीज़ 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 कर देना। तो बाय। Oh, 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 oh